Good morning, students. Students, today we will study History Chapter 1 Tracing Changes Through a Thousand Years. So, let us read the chapter. So, here you can observe a map. Carefully observe this map carefully. Yes, so what do you observe? Yes, there are different locations and the language is not familiar to us. The language which is printed here is Arabic. So, दिस इज़ एन एंशियंट एविडेंट विच इज़ अ मैप एंड दिस इज़ वेरी एंशियंट बहुत पुराना मैप है और इस मैप में हम देख सकते हैं कि अलग अलग लोकेशंस दी हुई हैं और जो लोकेशन्स की डिटेल्स हैं एज वी कैन सी तो वो इंग्लिश नहीं है लैंग्वेज में दीज आर अरेबिक तो जो लोकेशन्स की जो डिटेल्स है वो अरेबिक में दी गई है तो ये मैप को हम इसमें अच्छे से देखते हैं और कुछ जानते हैं इसके बारे में ये है मैप वन This is map number 1. And this is map number 2. Okay, so we will see these differences between the two maps clearly. So, let us start our chapter. Yes, take a look at maps 1 and map 2. This is map 1.

फोर सी ई में बना बाय द अरब जोग्राफर अलरीसी ठीक है ये जो मैप हम देख रहे हैं पिक्चर में ये मैप वन है और ये इलेवन फिफ्टी फोर सी ई में बना और ये बनाने वाले कौन थे अरब जियोग्राफर जियोग्राफर वो होते हैं जिनको डिटेल सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता होती है लोकेशंस की कि कौन से लोकेशंस का डायरेक्शंस कहाँ पे है उसकी ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकेशंस क्या है और ये सब चीज़ें उनको अच्छे से पता होती है मैप के रिलेटेड और वो मैप प्लॉट करते हैं ताकि आगे कुछ रिसर्च में भी काम आ सके तो ये जो मैप हम देख रहे हैं यहाँ पे मैप वन तो ये मैप अरब जोग्राफर ने बनाया है और ये जोग्राफर जो है अरब जोग्राफर इनका नाम है अल इदरीसी अरब जोग्राफर अल इदरीसी द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज़ अ डिटेल ऑफ़ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड ये जो मैप है एक इंडिया का ही सब कॉन्टिनेंट है मैप टू वॉज मेड इन सेवन ट्वेंटीज अब जो मैप वन था वो एलेवन फिफ्टी फोर सी ई में बना था और अरब जोग्राफर ने बनाया था जिसका नाम था अल इदरीसी अब जो मैप टू हम देख रहे हैं जो कि ये रहा केयरफुली ऑब्जर्व दिस मैप दिस इज मैप टू ये मैप टू किसने बनाया था दिस मैप टू वॉज मेड बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर सेवेंटीन ट्वेंटी स्टूडेंट्स आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप कार्टोग्राफर का मीनिंग सर्च करेंगे जो कि एक यहाँ पर भी हम साइड में भी देख सकते हैं इसके बारे में और भी आप सर्च करें कार्टोग्राफर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स मैप जो मैप्स बनाते हैं जो जोग्राफिकल आइडिया होता है जो पर्सन को उसके रिलेटेड जो मैप्स बनाते हैं तो मैप्स बनाने वाले को बोलते हैं कार्टोग्राफर नाउ, तो मैप टू जो बनाया था वो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर इन द सेम एरिया ये मैप्स बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से जैसे कि हम देख सकते हैं ये है मैप वन एंड ये मैप टू है जो बहुत अलग हैं एक दूसरे के हालांकि दोनों सेम कॉन्टिनेंट सेम एरिया में भी हैं बट फिर भी इनके बीच में डिफरेंसेस हैं इन एन अल इद्रिशीज़ मैप मतलब अल इद्रिसी का मैप वन था साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया तो साउथ इंडिया की प्लेस यहाँ है जो नॉर्थ इंडिया में होनी चाहिए थी बट और उसमें क्या हम देख सकते हैं श्रीलंका इज is द आइलैंड एट द टॉप श्रीलंका है वो टॉप में है जो कि एक आइलैंड है तो इसमें क्या बोल रहे हैं साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की ऐसी जगह पे है जहाँ हम नॉर्थ इंडिया एक्सपेक्ट कर रहे थे और साउथ श्रीलंका जो है वो है आइलैंड जो टॉप पे है प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक तो ये जो प्लेसेस के नेम्स हम देख सकते हैं जो कि ये ये रहे ऊपर जैसे हम देखें इसका व्यू तो प्लेसेस के नेम्स जो हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में हम देख सकते हैं जो मार्क की हुई हैं मैप वन में नाउ दिस इज़ मैप टू एज यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व सो प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक जो कि मैप वन में है हम देख सकते हैं एंड देर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज मैप टू वॉज मेड नियरली सिक्स हंड्रेड इयर्स आफ्टर मैप वन अब जो मैप टू बना वो छः सौ साल के बाद बना मैप वन मैप वन जब बना उसके छः सौ साल के बाद मैप टू बना ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैेंजड कंसिडरेबली अब काफ़ी ईयर्स हो गए थे दूसरे मैप को बनने में छः सौ साल लग गए थे तो छः सौ साल में बहुत सारे वेरिएशंस बहुत सारे चेंजेस आए और हम देख भी सकते हैं कि जो मैप वन है यहाँ हम देख सकते हैं कितने कितना चेंज है इसमें एंड मैप टू में ये पूरा अरेबिक में भी है और काफ़ी और भी चेंजेस हमने देखे थे जैसे कि श्रीलंका था वो ऊपर था ऐसे और ये मैप टू में हम देख सकते हैं कि इसमें अरेबिक में नहीं है और भी काफ़ी डिटेल में प्लेसेस की इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि अरेबिक में नहीं है इंग्लिश में हम पढ़ सकते हैं तो मैप टू जो बना था वो 600 साल के बाद बना और उसमें काफ़ी चेंजेस आए दिस मैप सीम्स मोर फमीलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ सी होते हैं अरेबियन सी इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन एटलांटिक ओशन तो ये जो भी कोस्टल एरियाज हैं वो भी हम इसमें देख सकते हैं ये मैप में सो so, दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वोएज़स अब जो सेलर्स होते थे वो ये मैप का यूज़ करते थे उनका सहारा लेते थे ये मैप्स उनके लिए बहुत यूज़फुल थे जैसे आज हम कहीं बाहर जाते हैं हमें किसी की लोकेशन नहीं पता कोई प्लेस की तो हम कैसे जी पी एस यूज़ करते हैं नेविगेशन यूज़ करते हैं उसी टाइप में पहले के ज़माने में मोबाइल्स नहीं थे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसड नहीं थी जो लोग जहाँ पे अपना काम अपना रिसर्च करना होता था या कुछ और किसी नई चीज़ की इन्वेंशन करनी होती थी तो लोग मैप्स का यूज़ करते थे और अपना डायरेक्शंस जान सकते थे तभी मोबाइल और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस टाइम पे मैप्स बहुत यूज़फुल थे तो उस टाइम पे जो यूरोपियन सेलर्स थे वो मैप की मदद से अपनी जो वोएज होती अपनी उनकी जो ट्रिप होती थी वो ट्रिप पे वो मैप का यूज़ करके लोकेशन फॉलो कर सकते थे तो ये हम जो लोकेशन फॉलो कर सकते थे और इनका मैप का जो यूज़ करते थे वो हम चैप्टर नंबर सिक्स में पढ़ेंगे आगे नाउ इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफोल्ट इन द टू पीरियड्स अब जो कार्टोग्राफी जैसे कि बोला कि मैप वन बना उसके बाद मैप टू छः सौ साल के बाद बना तो काफ़ी चेंजेस हुए When historians read documents maps and texts from the past they have to be sensitive to the different historical backgrounds the contexts in which information about the past was प्रोड्यूस अब जब इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी होती है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ते हैं और अलग अलग उसका एविडेंस चाहिए होता है तो उसमें काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं जितने यर्स पास होते हैं उतने चेंजेस होते हैं तो हिस्टोरियंस जो है उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है मैप्स देखते हैं और उसी के आधार पर वे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस प्रणीश करते हैं पास पर नाव लेटस्ट प्रोसीड फर्दर न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ इफ द कंटेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम वॉट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स अब जो इन्फॉर्मेशन बदल सकती है तो लैंग्वेज भी बदल सकती होगी और उसके मीनिंग्स भी चेंज हो सकते हैं तो वो हम देखते हैं कैसे जैसे कि हमने मैप वन में देखा था अरेबिक लैंग्वेज थी एंड मैप टू में हमने देखा कि लैंग्वेज में फ़र्क आ गया लैंग्वेज वॉज कन्वर्टेड इन टू इंग्लिश एज इट वॉज़ रीडेबल Historical records exist in a variety of languages, which have changed considerably over the years. जो historical records है, उनमें काफी अलग-अलग varieties आने लगी क्यों? क्योंकि अलग-अलग languages बदलने लगी थी. Then, medieval Persian. Persian एक language है. तो मिडीवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉर्डन पर्शियन अब परशियन इज़ कॉमन बट मिडीवल जो पहले के टाइम की पर्शियन थी और अभी मॉडर्न पर्शियन है देर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दैम द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम अब ये जो लैंग्वेजेस थी पर्शियन उसमें सिर्फ ग्रामेटिकल सिर्फ डिफरेंस नहीं था ग्रामर और वोकेबलरी ही डिफरेंट नहीं थे एक दूसरे से बट देर वॉज अ डिफरेंस इन द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो जो वर्ड्स थे उसके मीनिंग्स भी चेंज हैं इन दोनों में इन दोनों लैंग्वेजेस में मिडिवल पर्शियन एंड मॉडर्न पर्शियन में टेक द टर्म हिंदुस्तान फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब हम हिंदुस्तान का एग्ज़ाम्पल लेते हैं वर्ड हिंदुस्तान हिंदुस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल अब टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया आज के ज़माने में हिंदुस्तान का मतलब क्या है इंडिया है द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म वॉज यूज इन द दर्टीनथ सेंचुरी थर्टींथ सेंचुरी में जब हिंदुस्तान यूज हुआ था तो उसका मतलब अलग था तो वो क्या था अभी हम पढ़ते हैं सो व्हेन द टर्म वॉज यूज इन दर्टींथ सेंचुरी बाय थर्टींथ सेंचुरी बाय मिनहार सिराज अ क्रॉनिकलर हु वॉज हु रोट इन पर्शियन ही मैंट द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द आईलैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना अब जो हिंदुस्तान का मतलब आज इंडिया होता है वही हिंदुस्तान वर्ड जो थर्टीन्थ सेंचुरी में यूज़ हुआ था मिन्ह सरज ने तो उन, उनके टाइम ता, उनके टाइम पर थर्टीन सेंचुरी में जब इसका मतलब कुछ और था उसका मतलब क्या था एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा

बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया तो इसमें हमें ये बोल रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का जो वर्ड आज उसका जो मतलब था वो पहले के ज़माने में थर्टीन सेंचुरी में उसका कुछ और मतलब था उसका मतलब था एरियाज़ ऑफ पंजाब हरियाणा एंड आईलैंड एंड सॉरी एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना तो ये जो तीन थे उसका ये जो एरियाज ऑफ़ पंजाब हरियाणा एंड गंगा एंड यमुना है तो वो हिंदुस्तान बोले जाते थे उसका मतलब ये था और पॉलिटिकली इसका यूज़ किया जाता था पॉलिटिकल मीनिंग के तरीके इसका यूज़ होता था उसका मतलब ये था तब नाउ द एरियाज इंक्लूडेड दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनेट बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली सिक्सटीन्थ सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान अब सिक्सटीन्थ सेंचुरी में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का क्या मतलब था By the early 16th century, Babur used Hindustan to describe geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent. अब जो हमने देखा थर्टीन सेंचुरी में अलग था सिक्सटीन सेंचुरी में बाबर ने जब हिंदुस्तान यूज़ किया था वर्ड तो उसका मतलब जब हिंदुस्तान का मतलब क्या था कि जोग्रफ़ी था फोना फ्लोरा फोना मतलब एनिमल्स जो होते हैं एक जोग्रफ़ी उसका मतलब आता था हिंदुस्तान का और जो कल्चर है आजू बाजू जो पीपल रहते हैं उनका कल्चर फिर एनिमल्स फिर जोग्रफ़ी तो ये सब जो थे वर्ड्स उसका मतलब था हिंदुस्तान सिक्सटीन सेंचुरी में

कि जो हिंदुस्तान था वो काफ़ी जो वर्ड था आज जो हम इसका मीनिंग समझते हैं वो पहले उसका मीनिंग काफ़ी अलग यूज होता था उसका मीनिंग अलग था तो ये जो उस ट्रांसफॉर्मेशन आया एक वर्ड की वजह से तो उसमें मीनिंग्स भी चेंज हो जाते थे हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज़ बिकॉज दे मैन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर इट इज़ यूज टूडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फॉरेनर का मतलब हमारे लिए क्या होता है मतलब कोई आउटसाइड कंट्री से कोई पीपल जो पर्सन होता है जो आउट ऑफ इंडिया का होता है उसे हम फॉरेनर कहते हैं तो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो इन टर्म्स को काफ़ी ध्यान से उनको स्टडी करना पड़ता है उनके मीनिंग्स को स्टडी करना पड़ता है क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि हिंदुस्तान जो था वो सिक्सटीन सेंचुरी में उसका मतलब कुछ और था और थर्टीन सेंचुरी में उसका मतलब कुछ और था तो जैसे फ़ॉरेनर है वो आज के ज़माने में अभी के टाइम पे फॉरेनर मीन्स द पर्सन हु इज़ नॉट एन इंडियन हु इज़ आउटसाइड बिलोंग्स टू आउटसाइड नेशन ऑफ़ इंडिया तो वो इंडियन नहीं है आउटसाइड इंडिया को जो बिलोंग करता है वो हम उसे फॉरेनर कहते हैं इन द मिडिवल पीरियड फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपियर से इन अ गिवन विलेज समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर अब जो मिडिवल पीरियड था जो पहले एंशंट पीरियड था तभी के टाइम पर फॉरेनर का मतलब क्या था वो एक स्ट्रेंजर था उसका मतलब जो एक विलेज में रहते थे और जो जिनके कल्चर और वो विलेज के अलग एरियाज में रहते थे, थे जो सोसाइटी के पार्ट नहीं थे तो फॉरेनर का मतलब तब ये था मिडिवल पीरियड में समवन हु वाज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी और कल्चर जो सोसाइटी के पार्ट नहीं थे और एक विलेज में रहते थे तो तभी फॉरेनर का मतलब ये था उस टाइम पे मिडीवल टाइम पे इन हिंदी द टर्म परदेसी अब हिंदी में परदेसी का मतलब क्या है माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन इन पर्शियन अजनबी अब हिंदी में हम बोलते हैं परदेसी और पर्शियन में हम बोलते हैं अजनबी तो ये दोनों वर्ड्स जो है वो अलग हो गए एक दूसरे से उनका मीनिंग अलग हो गया अ सिटी ड्वेलर देर फोर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर अब जो स्विटी सिटी ड्वेलर है वो फॉरेस्ट एज अ उनके लिए वो फॉरेनर होगा रिगार्डेड अ फॉरेस्ट डवेलर एज अ फॉरेनर जो सिटी में रहते हैं उनके लिए जो फॉरेस्ट में रहते हैं पर्सनस वो फॉरेनर होंगे जो सिटी में रहते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ द सिटी हो गए जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो तो उनकी लाइफ उनका कल्चर सब अलग होता है तो जो सिटी में रहते हैं जो ड्वेलर्स होते हैं तो उनके लिए फॉरेनर कौन होंगे जो फॉरेस्ट में रहते हैं बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर टू ईच अदर अगर दो पीजेंट्स होते हैं सेम विलेज में रहते हैं तो वो फॉरेनर नहीं होते हैं इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंडस तो हमने अभी ये इसका मतलब ये समझा रहे हैं कि पर्शियन में कुछ और था परदेसी का मतलब एंड पर्शियन में हम अजनबी बोलते हैं और हिंदी में हम परदेसी बोलते हैं उसी तरह फॉरेनर की भी जो मीनिंग था वो भी चेंज हो गया सिटी ड्वेलर फॉरेनर क्या होते हैं उसके लिए उसके लिए फ़ॉरेनर फॉरेस्ट ड्वेलर होता है तो हमने देखा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसकी वजह से मीनिंग्स में काफ़ी चेंज हुआ सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी में ही चेंज नहीं हुआ बट उसके मीनिंग्स भी अलग हो गए सो स्टूडेंट्स हियर वी एंड आवर पार्ट वन अब वी विल कंटिन्यू अवर पार्ट टू इन अवर नेक्स्ट चैप्टर इन अर नेक्स्ट लेक्चर